हिमालसन.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपाइयों की मानसिकता ही कुत्तों जैसी है। उनके इस बयान पर भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि हम कुत्ते हैं लेकिन जनता के वफादार हैं। और इन सभी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आ गए हैं। उन्होंने भी श्वानों के तबादलों पर कुछ बात कही है। देखिए कुत्तों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़ी घमासान को। हाल ही में कमलनाथ सरकार द्वारा कुछ कुत्तों के तबादले किए गए हैं, उसी को लेकर लोक निर्माण मंत्री सज्जन वर्मा ने बोला कि भाजपा ही कुछ भी आरोप लगाते हैं, कुत्तों के तबादले कर दिए, उनकी मानसिकता ही कुत्तों जैसी है। वे झाबुआ के विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और इससे पहले उन्होंने मीडिया से ये बात कही। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने बाला बच्चन के नाम का प्रस्ताव रखा है और ये मांग उन्होंने इसलिए रखी कि प्रदेश में 30 से ज़्यादा आदिवासी क्षेत्र की सीटें कांग्रेस ने जीती है। और उन्होंने ये कहा कि जाति धर्म की राजनीति मैं नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो भरोसा किया है उसके हिसाब से मैंने ये बात कही है। सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान से भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हम कुत्ते हैं लेकिन जनता के वफादार हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब कुत्तों को लेकर राजनीति हो रही है। हाल ही में गृह विभाग में तैनात खोजी कुत्तों के तबादले पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसा था। इसके बाद मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा की मानसिकता की तुलना कुत्तों से कर डाली थी और इसी के जवाब में नेता रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हम कुत्ते हैं लेकिन जनता के वफादार हैं और हम लोगों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्वानों के तबादले पर कहा कि सीएम हाउस सुरक्षा में तैनात इंसान तो ठीक, कुत्तों तक के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्नाटक न जाने पर तंज कसते हुए कहा कि सुना है वे कर्नाटक जाने वाले थे, वे तो दिल्ली में जाकर बैठ गए। चौहान भाजयुमो की सदस्यता के लिए चलाए गए विशेष अभियान में शामिल होने प्रदेश भाजपा के कार्यालय आए थे और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। वहीं सेंधवा में पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य ने कार्यकर्ताओं और आमजनों को संबोधित करते हुए ये आरोप लगा दिया है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मध्य प्रदेश की राजनीति में कर्मचारियों के साथ साथ कुत्तों यानी कि डॉग स्क्वाड का भी स्थानांतरण किया जा रहा है और सेंधवा में भी इस तरह की कार्रवाई से कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। वहीं इसी को लेकर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है और डॉग स्क्वाड में श्वान व उनके हैंडलरों के तबादले पर मचे बवाल पर कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान सरकार के कार्यकाल में हुए ऐसे कई तबादलों की सूची जारी कर पलटवार कर दिया है। और पीसीसी अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने यह भी बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री चौहान के कार्यकाल में हुए तबादलों की सूची प्रमाण के रूप में उनके निवास पर भी भेजी जाएगी। हालांकि कुछ भी हो लेकिन कुत्तों के इस तबादले ने राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और भाजपा और कांग्रेस के बीच अब चल रहा है कुत्तों को लेकर घमासान। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।